हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? हाउ यू ऑल? आल्सो फाइन, थैंक यू बेटा. मेनी ऑफ द पर्सन वी आर गोइंग टू स्टडी आवर मैथ सब्जेक्ट. मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन अवर स्टडी. हमें ग्रीन बोर्ड के जो यहाँ पे समझाया जाए उन सब चीजों को कंसंट्रेट करना होता है. Even still many of the students are moving and looking here and there. आलोक पुरी इधर उधर देख रहे हैं. It is the wrong way, beta. It's creating confusion and disturbing the class. Please अपना माइक आप बंद करके फिर आप कुछ करें. जिसके यहाँ से बेटा आप आवाज आए वो अपना माइक बंद कर लिया करिएगा. ओके, चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं. इसके पहले आप लोगों ने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा था ना बेटा? इसके पहले क्या पढ़ाया गया था कोई बताएगा? हर्षित बेटा आप बताइए क्या पढ़ाया गया था? हर्षित वर्मा, नंबर नेम पढ़ाया गया था. नंबर नेम में आपको बताया गया था कि हाउ टू राइट एनी, मतलब हाउ टू रीड द नंबर एंड राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज वेल एज द वर्ड फॉर्मेट. यही तो बताया गया था. स्टैंडर्ड फॉर्मेट को स्टैंडर्ड और वर्ड फॉर्मेट में लिखना समझ में आ गया है कि नहीं? चलिए फिर आज से आपकी बुक शुरू करते हैं. आई होप कि एवरीबॉडी सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे. आज के डेट में जो आप नंबर को कंपेयर अगर करने के लिए बोले जो आपने वर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है के लिए बताया गया उससे रिलेटेड चीजें और कुछ कंपैरिजन भी है. कंपैरिजन तो आपने लास्ट क्लास में सीखा ही होगा, फिर भी अगर नहीं सीखा होगा तो मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगा. आप ध्यान से सुनिएगा. कई सारे बच्चे अभी भी इधर उधर क्या कर रही है बेटा, अभी भी कई लोग बात कर रहे हैं. हेलो अभय, आप लोग प्लीज बात करना बंद करो बेटा. अगर आवाज ना आए तो भी थोड़ी देर वेट किया करो. आप इधर उधर होने लगते हो तो डिस्टर्ब होता है. नेटवर्क आता जाता रहेगा, डोंट वरी. नेटवर्क जाने पे कभी भी आवाज नहीं आए, अगर कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो तुम्हें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, चलाना नहीं चाहिए. आवाज नहीं आ रही है बाबू, आवाज जाएगी बेटा. सबको आवाज जा रही है? हर्षित जा रही है आवाज? आलोक कितने लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है? शो मी योर हैंड लाइक दिस. How many are able to hear me? Proper आवाज जा रही है, आलोक को भी जा रही है. There are many of the students who is listening me मतलब properly. बेटा अगर आपके यहाँ पे आवाज नहीं जा रही तो जाते हैं सम प्रॉब्लम बच्चे नेटवर्क. ठीक है, तो ऐसे में आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है इस लेक्चर की, इस मतलब इस क्लासरूम का जो अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है. इस रिकॉर्डिंग जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा, तो आप बाद में भी चेक कर सकते हो. अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, कुछ आपको नहीं समझ में आया रहता है, तो दोबारा आप रिकॉर्डिंग करके शाम को भेजा जाता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर से पढ़ सकते हो, फिर से देख सकते हो कि सर ने क्या बोला था, मैं सुन नहीं पाई थी, और देखने क्या है ऐसे. ठीक है, तो चलो ठीक है फिर हम लोग शुरू करते हैं. ऑलरेडी 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो प्लीज बेटा ओपन द पेज नंबर 5 एवरीबॉडी. Open the page number 5 everybody. साक्षी बेटा आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. अभय के यहाँ से भी गाड़ी वगैरह चलती रहती है, बहुत आवाज आ रही है. चलो ठीक है, दोनों को म्यूट कर दिया. हाँ बेटा आप बताइए. ओपन द पेज नंबर 5 एवरीबडी. ओपन कर लिया? अनंत धर बेटा ओपन किया? आपको आवाज प्रॉपर जा रही है? ठीक है, तो अभी जिससे मैं बोलूंगा उससे क्वेश्चन करना है. और देखो यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे मैं क्वेश्चन करूंगा, ऐसा कोई नहीं बचेगा जिससे मैं पूछूंगा. इस वजह से अगर कोई बोले कोई पढ़े तो उस बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. यू ऑल नीड टू हियर प्रॉपरली क्या वो जो पढ़ रहा है सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है. अगर गलत होगा या सही होगा तो जवाब से पूछा जाएगा, तब आप बताइएगा. समझ में आया बेटा? सबसे पहले रमा तिवारी नहीं तो रमा तिवारी आप पढ़िए बेटा. रीड द क्वेश्चन, और कोई नहीं रीड करेगा, केवल रमा पढ़ेंगी. अभी आपको बोला जाएगा तब बोलिएगा. रमा बोलिए, पढ़िए बेटा बुक.
रमा आपको आवाज आ रही है बेटा? राइट नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स है बेटा, क्या लिखा है? न्यूमेरल्स। अब आपको मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरल्स क्या होता है। न्यूमेरल्स क्या होता है? न्यूमेरल्स आप ऐसे लिखते हैं टू, ये क्या लिखा है मैंने? What I have written here? 24 किस फॉर्मेट में लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, यानी ये नॉर्मल तरीका है, यानी इसको न्यूमेरल्स बोलते हैं, यानी न्यूमेरल्स, इसको न्यूमेरल्स फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्या करना आपको? राइट नंबर्स नेम। राइट मीन्स क्या हुआ? सभी लोग बताइए राइट मीन्स क्या हुआ? राइट मीन्स लिखना। राइट मीन्स लिखना। राइट क्या लिखना है? राइट नंबर्स नेम क्या लिखना है? नंबर्स नेम लिखना है। नंबर्स नेम लिखना है किसके लिए? आपको फॉलोइंग न्यूमेरल्स, जो नीचे न्यूमेरल्स लिखे हैं ना, उसका नंबर्स नेम लिखना है। जो नीचे न्यूमेरल्स लिखे हैं उसका क्या लिखना है? नंबर्स नेम लिखना है। नंबर्स नेम मतलब वर्ड फॉर्मेट में लिखना है, स्पेलिंग वाले फॉर्मेट में। कब ले जाएंगे सभी लोग? यस सर। यस सर। सभी लोग ले जाएंगे ना? चलो ठीक है। फिर अभी सबसे पहले क्या लिखा है? रमा के बाद आप बेटा आनंद धर, आप बताइए पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? आवाज नहीं आ रही है बेटा। आनंद धर आप बताइए पहला न्यूमेरल क्या लिखा है? कितना लिखा बेटा? तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है। 43। तो 43 का न्यूमेरल, 43 का हमें नंबर नेम लिखना है ना? साक्षी गुप्ता आप इधर उधर देखती रही और ऐसे पढ़ाई करोगी? आपके घर वाले भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, कैसे पढ़ाई होगी ऐसे? नहीं तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं घर वाले, कोई आपसे कुछ और दिए नहीं देगा, कोई कुछ लाने लेने के लिए देगा, देने के देगा, ऐसे पढ़ाई चले होती है बेटा? बैठा करो 40 मिनट के लिए, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा करो, कोई काम नहीं, किसी से कोई बात नहीं। अभी भी साक्षी इधर उधर देख रही है, इतना बोल रहा है यार। आप बताइए देवान, आपके यहाँ पे भी बहुत आवाज आ रही है, म्यूट करो बेटा अपने आपको। बेटा आप बताइए काजल, आप काजल को भी म्यूट कर रहा हूँ। वेदांत के यहाँ पे भी आवाज आ रही है, वेदांत को भी म्यूट कर रहा हूँ, बस ठीक है। तो वेदांत बंद है। आप बेटा बताइए कंचन 43 कैसे लिखे हैं? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40? बोलिए कंचन, कंचन फिर से बोलिए बेटा। चलिए ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सभी को यहाँ पे म्यूट करता हूँ, जिससे पूछना होगा मैं उसको म्यूट कर दूंगा। ठीक है ठीक है। कंचन अब आप बताइए, कंचन बेटा अपना माइक ऑन करके बताइए आप 43 का स्पेलिंग। आप माइक ऑन करके बताना, माइक आपके सामने है ना मोबाइल में, वहां पे देखो अनम्यूट लिखा होगा माइक आपके फोन में, यू एन देखो आप स्क्रीन पे टच करोगे तब। हाँ बेटा बताइए, चलो ठीक है, वेल डन, वेरी गुड बेटा। अमन पासवान आपने बताया, बताइए जो अभी ये बताई स्पेलिंग वो सही है? कंचन क्या स्पेलिंग बताया? अमन पासवान यस सर, बताइए स्पेलिंग आप भी बताइए अमन पासवान। एफ ओ आर टी ई वाई 40। एफ ओ आर टी ई वाई क्यों? अमन यही बता रहे हो ना?
यहाँ रॉन्ग है बेटा। वेदांत वर्मा आप जरा बताइए, अमन को बताइए क्या सही स्पेलिंग है। वेदांत अपना माइक ऑन करके, माइक ऑन करके बेटा वेदांत बोलिए। FORTYTHRWE देखो क्या लिखा है, FORTY THREE तो लिख ले जाएंगे इसी तरह नंबर में मस्ती से लिखा जाता है। क्यों बेटा? देखो कई लोग करते क्या है ये 40 की स्पेलिंग जानते क्या लिख देते हैं, FORTY ऐसे लिख देते हैं कई लोग, और ये गलत है, ये गलत है, क्या है रॉन्ग है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 40 की स्पेलिंग ये गलत मत लिखिएगा, समझ में आया? yes, 40 की स्पेलिंग सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो 43 की स्पेलिंग लिख जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा? सेकंड ऑप्शन खुशी वर्मा आप बताइए क्या लिखे है। बेटा काजल आप अपने पापा को मना करो, आप कैमरे के सामने खिड़की लेके पापा से मना बात करें, आवाज बात नहीं बंद करिए, पापा को जाके मना करें बेटा। हाँ बेटा आप बताइए खुशी वर्मा। हाँ बेटा नंबर नेम में सेकंड ऑप्शन क्या है, A 43 है, B कौन सा है, B कितना है? सर B 38। क्या बेटा? Seventy eight गुड, चलो 78 तो 78 की स्पेलिंग लेके जाएंगे। 78 की स्पेलिंग किसको किसको आती है, शो मी मैं पूछ लूंगा फिर किसी से, किसको किसको 78 की स्पेलिंग आती है। चलो हर्षित को भी आती है, अनुप को भी आती है, अमन गुप्ता को भी आती है, वेदांत को भी आता है, श्रेया पांडे को भी आता है, अमन पासवान को भी आता है, यानी सभी बच्चे हैंड रेज किए हैं। तो दैट मीन्स एवरीबडी नो द स्पेलिंग ऑफ 78। गुड, वेरी गुड, ओके, डाउन योर हैंड। तो बेटा आप नंबर नेम तो आपको मंडे को आता ही है, क्यों बेटा? नंबर नेम तो आपको अभी पिछले क्लास में भी पूछा गया था कई बार, आप सब लोग बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं। तो नंबर नेम आप ये कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे पूरा। यस सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर ले बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कर ले जाएंगे। जितने मम्मी पापा इतनी बातें कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। काजल वेदांत जो भी हैं अपना माइक बंद कर लीजिए, जब आपसे पूछा जाए तो आप माइक ऑन करके फिर से बोलिएगा, ठीक है? जिसका भी नाम जैसे आपने 43 की स्पेलिंग 43 लिखा, 78 की स्पेलिंग आप 78 लिखेंगे, 88 की स्पेलिंग आप लिखेंगे, फिर 25 की स्पेलिंग लिखेंगे, तो सारा कर ले जाएंगे सभी लोग ना। कितने लोग ये वाला पहला क्वेश्चन पूरा कर ले जाएंगे, एच तक 99 तक कितने लोग कर ले जाएंगे, शो मी योर हैंड, कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग को समझ में आ गया कि कैसे करना है पहला क्वेश्चन, कितने लोग को सॉल्व करना है? हाँ ठीक है, यहाँ पे अभय गुप्ता को समझ में आ गया, रौनक सिंह को समझ में आया, आलोक कमलापुरी को भी आ गया है, कंचन को भी आ गया है, अनधर को भी आ चुका है, रमा तिवारी भी कर लेगी, अमन आप भी कर ले जाएंगे बेटा कि नहीं? अमन सुय आपने अनधर नहीं किया, ना ही साक्षी गुप्ता ने किया है। जो बच्चे कंप्लीट कर ले जाएंगे अपना होमवर्क ये पहला क्वेश्चन, वो अपना हैंड रेज करें। सभी ने हैंड रेज किया, अमन पासवान का हाथ नहीं है, हाथ पूरा ऐसे चाहिए कैमरे के सामने। साक्षी गुप्ता, श्रेया पांडे आप कर पाएंगे कि नहीं बेटा? किसके यहाँ से इतनी आवाज आ जा रही है, अलग से बेटा आप लोग को देखना पड़ेगा। चले ठीक है, यानी सभी लोग कर ले जाएंगे ना, इसको नहीं समझ में आएगा वो ग्रुप में पूछिएगा बेटा, ओके? बेटा साक्षी आप ही के यहाँ से आवाज आ रही है, मैं बिल्कुल चेक कर लिया, देख लिया। देखिए सर ये साक्षी के यहाँ को मैं म्यूट कर रहा हूँ, अभी बंद हो जाएगी आवाज, सभी लोग देखू। तो मैंने साक्षी को म्यूट किया, साक्षी बेटा आपके पापा से मैं अभी फोन करके बात करता हूँ,
आपके मतलब उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्ची क्या पढ़ रही है या नहीं पढ़ पा रही है, बोले जा रहे हैं दूसरे बच्चे भी ना पढ़ पाए। चले ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन पढ़ेगा मैं बताता हूँ। अभी किससे? अमन गुप्ता आप पढ़िए बेटा। अमन गुप्ता सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा, आपके पास बुक है ना, पढ़िए। अमीन गुप्ता पढ़िए। सर मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा बुक नहीं है? यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा आलोक कमलापुरी आप पढ़िए। माइक ऑन करके बेटा, माइक ऑन करके, माइक ऑन करना मत भूला करो, फिर माइक बंद कर लेना पढ़ने के बाद। सर राइट इन फिंगर। फिंगर लिखा है, आई एन जी ई आर है। फिंगर है ही नहीं है, एन फोड़ो है। फिंगर्स में उंगलियां होती है। क्या लिखा है? राइट इन फिगर्स। क्या लिखना है? फिगर्स में लिखना है। फिगर्स मतलब न्यूमेरल्स में। देखो यहाँ पे कई अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से लिखा है बेटा। यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में लिखा है, तो फिगर में लिखना मतलब न्यूमेरल्स में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना, फिगर में लिखना, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो आप इसमें न्यूमेरल्स में लिख जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि नहीं कर ले जाएंगे ना? यस सर। यस सर। ठीक है, आदर गुप्ता पहला ऑप्शन बताइए क्या लिखा है। पहला ऑप्शन माइक ऑन करके बेटा, इसका नाम ले तुरंत अपना माइक ऑन कर लिया करो, फिर बोला करो। 22 ऐसे लिखा है ना, 22। आप अपना माइक बंद कर लो बेटा। 22 कैसे लिखेंगे फिगर्स में? ऐसे ये सही है फिगर्स में लिखा? सही है कि गलत है? क्यों बेटा गलत है ना? यस सर। आप बताइए आप सही है? यस सर। तो इसी तरीके से फिगर्स, ये फिगर्स में सारा लिख ले जाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? सभी लोग लिख ले जाएंगे ना? ये तो आपके यूकेजी वाली चीजें हैं, रिवीजन है, लुकिंग बैक चैप्टर का नाम भी है। थर्ड क्वेश्चन चाहते हैं, थर्ड क्वेश्चन बेटा श्रेया पांडे आप पढ़िए। माइक माइक बेटा ऑन करो और थर्ड क्वेश्चन देख करिए। श्रेया पांडे श्रेया पांडे प्लीज माइक ऑन यो बेटा, अपना माइक ऑन करो और थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। चलो ठीक है बेटा, बहुत प्रॉपर नेटवर्क नहीं, आवाज कटकी आ रही है, कोई बात नहीं। आपने जो पढ़ा है जो सुनने में आया है वो सही है, अपना माइक बंद करो। रौनक सिंह आप पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। रौनक सिंह बुक देखिए और पढ़िए। माइक आपने बंद कर लिया, माइक ऑन करिए पहले ये बेटा। रौनक सिंह पढ़िए बेटा। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है, पहले आप ये पढ़िए क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूँ, क्या करना है वो पढ़िए। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। गुड गुड वेरी नाइस। क्या करना है इसका मुझे मतलब कौन कौन समझाएगा इसका? इसमें क्या करना है ये किसको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया वो अपना हैंड रेज करे। इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसको समझ में आ गया क्या क्या करना है इसमें? सभी समझ में आ गया? यानी सभी को लगभग समझ में आ गया। चलिए ठीक है, डाउन योर हैंड, सभी लोग ध्यान से सुनिए कैसे समझा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है मैं लिख भी देता हूँ। राइट द नंबर, राइट द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर जस्ट After the given number। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अपने आपको म्यूट करे, जिसके यहाँ से आवाज आए अपना माइक बंद कर लिया करिए।
तो यहाँ पे क्या है, राइट मिस क्या होता है, राइट मिस होता है लिखना। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी, क्या लिखना है। बात ये आती है लिखना है तो मतलब क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको, नंबर लिखना है। राइट द नंबर, आप नंबर लिखिए। कौन सा नंबर, हाँ नंबर तो बहुत कुछ है ना, कौन सा नंबर लिखना है, क्या लिख दे, कौन सा नंबर लिख दे, बात ये आती है ना। लिखा है राइट द नंबर, यानी नंबर लिखिए। कौन सा नंबर, दैट कम्स, जो कि आता है जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। गिवन मीन्स मतलब, गिवन मीन्स किसको किसको आता है, जी आई वी ई एन, गिवन मीन्स। हाउ मेनी कैन टेल, गिवन मीन्स किसको आता है, yes, sir. गिवन मीन्स कितने लोग को आता है। हाँ बेटा, अब आप माइक में आके बताइए। अमन पासवान आप बताइए, हर्षित आप भी बताइए माइक ऑन करके। गिवन मीन्स क्या, हर्षित अभय गुप्ता दोनों लोग माइक ऑन करेंगे तभी आवाज आएगी, आवाज नहीं आ रही है। बेटा वहां पे अनम्यूट ऑप्शन है, म्यूट अनम्यूट करके देखो। अभय बताइए, अभय बताइए, गिवन मीन्स क्या होता है। मैंने पूछा व्हाट डू मीन बाय गिवन, यहाँ पे गिवन लिखा है ना, मैं ये लिख रहा हूँ, लिखा है गिवन क्या होता है, गिवन मतलब दिया हुआ, दिया हुआ। गिव मीन्स देना है ना, बोला जाता आई विल गिव यू अ पेन, मैं आपको एक पेन दूंगा। उसी तरह गिवन, गिवन मतलब ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है, नंबर। नीचे नंबर क्या है, जब चाहते हो गिवन नंबर, पहला नंबर क्या दिया है, 46, पहला नंबर दिया है 46। फिर आगे ब्रैकेट है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर क्या दिया है, 69। फिर आगे ब्रैकेट है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, 58 के बाद क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो इसको सब सब मिला के ये कहने का मतलब, जो आप ये क्वेश्चन है इसको पढ़ करके जब आप समझ जाओगे तभी कुछ कर पाओगे। इसमें क्या लिखा है जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। राइट द नंबर, क्या करना है, नंबर लिखना है। कौन सा नंबर, दैट कम्स, जो कि आता है जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इसके जस्ट आफ्टर नंबर आता है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, 46 आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर 46 के बाद क्या आता है। साक्षी गुप्ता आप बताइए बेटा, साक्षी गुप्ता आप बताइए, 47 किसी ने बताया, चलो ठीक है, गुड, 47 इज द करेक्ट। इसी तरीके से 69 के बाद क्या आता है ये पता है ना, ये वाला क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। yes, sir. बेटा अगर इसी क्वेश्चन में मैं दूसरी तरह लिख दूं, कैसे लिख दूं, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर के बजाय जस्ट बिफोर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, जस्ट बिफोर। ये बताओ बिफोर में क्या होता है, बिफोर में पहले, बिफोर में पहले। आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। राइट द नंबर, आपको ऐसे नंबर लिखना है दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, जो नीचे दिए हुए नंबर है उसके जस्ट बिफोर आता है। तो 46 के जस्ट बिफोर क्या आता है, कौन कौन बता सकता है, बताइए। खुशी वर्मा बताइए बेटा, सिद्धांत आप भी बताइए क्या आएगा बेटा। खुशी बेटा फिर से तेजी से बोलो बाबू, इतने स्लो बोलोगे नहीं सुनाई पड़ेगा मुझे। 48 आएगा, 48 46 के बिफोर आता है। कंसेंट बेटा ये बताइए माइक बंद करके, सभी लोग माइक ही बंद कर लो, आवाज ही हो रही है। काजल आप बताइए क्या होगा, काजल क्या होगा बेटा, काजल बताइए बेटा क्या आएगा। 45 के जस्ट बिफोर आता है ना, तुरंत पहले आता है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप फोर्थ क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, फोर्थ क्वेश्चन श्रेयांश पढ़ रहे हैं बेटा। आपके पास बुक है कि नहीं श्रेयांश,
राम जी के पास किताबें हैं बेटा? बुक है आपके पास कि नहीं? ऐसे बेटा तो पढ़ लिया, इधर भी पढ़ लिए। हर्षित वर्मा आप पढ़िए बेटा। कंचन, हर्षित ये सब अभी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, पढ़िए नाइट टाइम करके किताब पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। भाई कौन करिए पहले? ये साक्षी यहाँ से फिर से आवाज आने लगी। साक्षी को मैं जान कर रहा हूँ, बहुत जगह पढ़ाई थी क्योंकि बार बार दिक्कत कर रही है बेटा। साक्षी जब आपके यहाँ से आवाज आओ तब उसने पढ़ना, ठीक है? काजल गुप्ता के यहाँ से भी आवाज आ रही है। वेदांत वर्मा के यहाँ भी धड़ाम धड़ाम हो रहा है कुछ, यहाँ पे सब मुझे पता चलता है। हाँ बेटा, हर्षित आपने माइक ऑन ही नहीं किया। खुशी वर्मा आप पढ़िए। खुशी वर्मा फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए बेटा। राइट द नंबर कम जस्ट फोर नंबर। चलो गुड। रमा क्या कर रही हो? माइक ऑन करिए अपना और एक बार बुक पढ़िए क्वेश्चन नंबर फोर। पहले माइक ऑन करिए। रमा बेटा कनेक्ट नहीं हो पा रही हो, रमा के यहाँ से प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब मैं को बोलूंगा। अभय गुप्ता आप पढ़िए बेटा। अभय नहीं, अनंत धर आपके पास बुक है बेटा? आप तो बैठे हो, आप दिखे ही नहीं। अपना माइक ऑन करो बेटा, पहले माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए, अनम्यूट करिए पहले। अपने मोबाइल स्क्रीन में म्यूट ऑप्शन होगा, माइक ऑन करिए। हाँ बिल्कुल, आप पढ़िए। हाँ बेटा आनंद, आप पढ़िए। आप ये थर्ड वाला पढ़ रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने बोला है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। चलो तो इसमें जस्ट बिफोर नंबर लिखना है, लिख ले जाएंगे ना? लिखना है। चलो श्रेया पांडे आप बताइए। श्रेया पांडे फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखेंगे? अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, सबका नाम ले लेकर के मैं पूछूंगा। श्रेया पांडे आप बताइए फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा जाएगा? श्रेया फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या लिखा जाएगा? व्हाट नंबर? किस नंबर? ये दूसरा कौन बोल रहा है? मैंने आपको आपसे नहीं पूछा ना, श्रेया से पूछा था। आप सब बता देंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा श्रेया को आता है कि नहीं? अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना। श्रेया आप बताइए क्या आएगा? बेटा आपके यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ, आपकी आवाज ही नहीं प्रॉपर आ रही है। अभय गुप्ता आप बताइए सबसे पहले आपसे क्या लिखा जाएगा बेटा, क्या आंसर होगा? गुड, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर बी, रौनक सिंह फोर्थ में क्वेश्चन नंबर बी, फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में क्या आंसर लिखा जाएगा? ध्यान से सुनो, रौनक सही बता रहे हैं गलत? हाँ रौनक बताइए। 70। क्या आप, क्या मैं पूछ रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन नंबर बी चौथा क्वेश्चन फोर्थ। चलो रौनक को नहीं आ रहा है, आलोक कुंडापुरी आप बताइए। पूछ के आ रहा हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 80। वेरी गुड, 81 के जस्ट बिफोर 80 आता है ना? यस सर।
हाँ तो 80 होगा। अब उसके बाद रौनक कालोक हो गए। वेदांत वर्मा बेटा अपना माइक ऑन करिए, काजल होता आप भी माइक ऑन करिए। श्रेयांश जादव आपके पास बुक है बेटा? नो सर, बुक नहीं है आपके पास अभी। आप मैथ की बुक लेके नहीं बैठे हो, मैथ की बुक लेके बैठा करो ठीक है। मैथ की बुक लेके बैठा करो ठीक है। चलो हर्षित कुमार आप जवाब बेटा पढ़िए। ऑप्शन नंबर थ्री फोर्थ में ऑप्शन नंबर थ्री में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? 69। 70 के बच्चों क्या लिखा जाता है? 69। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे सभी को म्यूट कर रहा हूँ। अभी हर्षित कुमार के बाद कंचन बेटा अपना माइक ऑन करिए, वेदांत आप माइक ऑन करिए, और कोई नहीं ऑन करेगा जिससे मैं बोल रहा हूँ वही। कंचन वेदांत धर्मेश, वेदांत बेटा आप बताइए, क्वेश्चन जरा पढ़िए। वेदांत आप पांचवा क्वेश्चन पढ़िए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है, क्या करना है? Write to the number that comes between the given number. Good. इसमें क्या, इसमें कौन सा नंबर लिखना है? Write the numbers. Numbers लिखना है, कौन सा नंबर लिखना है? That comes between. Sir, between. That comes between. दो बीच में आता है, किसे बीच में? Given number, नीचे नंबर दिए हुए हैं उस नंबर के बीच में आता है। सभी लोग अपने बुक में देख रहे हैं ना? अमन गुप्ता के पास वो ऊपर देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, फिर बुक नहीं है। कंचन बेटा आप बताइए पहला ऑप्शन क्या है ये फिफ्थ क्वेश्चन में? कंचन अभी अभी पहले बच्चे ने क्वेश्चन क्या करना है? बिटवीन नंबर लिखना है जो नीचे दिए हुए नंबर है। तो पहले ऑप्शन में कौन सा नंबर दिया है, किसके बीच का नंबर लिखना है, किसके बिटवीन नंबर लिखना है? फोर्टी सिक्स आप आंसर लिखेंगे ना? किसके किसके बीच में 46 किसके बीच में आता है? 46 किसके बीच? गुड, वेरी गुड। आप चलो ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी कौन बताएगा? रमा आप अपना माइक ऑन करिए। अमन बेटा आपने वीडियो बंद कर रखा है, वीडियो ऑन करिए। अमन पासवान, रमा वीडियो ऑन करके, रमा बेटा अपना माइक ऑन करिए और ऑप्शन नंबर बी का आंसर बताइए। कौन सा नंबर बीच में लिखना है और किसके किसके बीच में नंबर आता है? रमा तिवारी और अमन पासवान, अभी अमन पासवान कनेक्टेड ही नहीं है प्रॉपर। काजल गुप्ता बेटा आप बताइए, अभय गुप्ता आप बताइए ऑप्शन नंबर बी। अभय गुप्ता 84 किसके किसके बीच में आता है? 84 कम बीच नंबर 83 या 85 के बीच में आता है? चलिए ठीक है, गुड, वेरी नाइस। माइक बेटा बंद कर लो, आप म्यूट करो अपने आप को। तो दैट मीन्स कि ये पेज नंबर 5 सभी को समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है? यस सर। ले जाएंगे बेटा? यस सर। पूरा पेज आज, ये पूरा पेज होमवर्क दे दें आप लोग, कंप्लीट करके भेजेंगे। यस सर। चलो मैं इस पेज को आज का मैं होमवर्क बना के दे रहा हूँ, ठीक है? यू ऑल नीड टू कंप्लीट दिस पेज एंड सेंड द पिक ऑफ योर वर्क। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास बेटा करते हैं आपका सर इंग्लिश। आज क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ के अलावा क्या पढ़ाया जाएगा बेटा? इंग्लिश कितने बजे पढ़ाया जाएगा? सर बोलेंगे वेदांत वर्मा आप बताइए बेटा कितने बजे इंग्लिश पढ़ाया जाएगा? 7:30 बेटा देखिए 1:30 पे आपकी इंग्लिश की क्लास है, भूलिएगा नहीं। उसका मीटिंग आईडी अलग है ना? मीटिंग आईडी अलग है। मीटिंग आईडी पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप मीटिंग आईडी डाल के फिर ज्वाइन करिएगा। समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना वर्क
अपना होमवर्क करिएगा, उसके फोटो 1:30 बजे के पहले भेज दीजिएगा। अभी आप तुरंत सबसे पहले मैथ पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? काजल, अनिंदर, श्रेया पांडे, साक्षी गुप्ता, अभय गुप्ता, आलोक कमलापुरी, श्रेयांक यादव, रमा तिवारी, वेदांत वर्मा, खुशी वर्मा, कंचन, अमन गुप्ता और अमन पासवान, सभी का वर्क मुझे चाहिए। अमन गुप्ता बेटा आपके पास बुक नहीं है तो कॉपी में लिख लेना, अभी मैं फोटो भेजूंगा, उसको कॉपी में नोट डाउन करना और लिख के भेजना, ओके? अभी 1:30 बजे के पहले आपको भी भेजना है, अभी इंग्लिश की क्लास लेने के पहले आपको भेजेंगे ना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, इंग्लिश की क्लास लीजिएगा, होमवर्क जल्दी से भेजिए बेटा, होमवर्क जल्दी से लिख करके 1:30 बजे के पहले भेजिए, सुंदर सुंदर लिखिएगा, अक्षय मोचारी में अपना नाम जरूर पेज पे लिख देना, भले बुक में लिख रहे हो अपना नाम जरूर लिखना, नहीं तुम्हारा ही फोटो लोग भेज देंगे मुझे, कहेंगे